जीआरपी थाने की पुलिस ने तीन शातिर चोरों लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 के पूर्वी जंक्शन के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान ब्रजेश साहनी उर्फ विदेशी पुत्र किशुन साहनी निवासी कैलाश नगर वार्ड नंबर 5 थाना पटखौली जिला पश्चिमी चंपारण बगहा बिहार, दूसरा वकील पुत्र राजकुमार निवासी चैनपुर वनहवा टोला थाना कोठीभार जिला महाराजगंज, तीसरा कुंदन कुमार पुत्र सुदामा महतो निवासी सिरसिया अड्डा थाना सिरसिया जिला बेतिया बिहार के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी के 5 मोबाइल 11,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। एसपी जीआरपी ने बताया कि अभियुक्त स्टेशन पर आने जाने वाले ट्रेनों के एसी स्लीपर व जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों का सामान चोरी व लूट कर चलती ट्रेन से कूद जाना व चोरी का सामान बिहार नेपाल सहित अन्य जगहों पर बेच देने की लगातार अपराध करते हैं, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, उप निरीक्षक भीष्म नारायण सिंह, उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल पवनेश कुमार पांडे, राम सिंह सूर्य प्रकाश चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, अभी आ जाने दीजिए, सुबह ही आ रहा है। हमारे यहाँ जीआरपी थाने पर तीन सातिर चोर पकड़े गए हैं, जो चलती ट्रेनों में एसी कोच में स्लीपर कोच में और जनरल कोच में चलने वाले राहगीरों से मोबाइल बैग इत्यादि चोरी कर लेते हैं। और पूर्व में भी इसमें दो अभियुक्त ऐसे हैं जो पूर्व में भी विभिन्न मामलों में जेल जा चुके हैं। आज तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 5 अदद मोबाइल व लूट के 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनमें दो अभियुक्त हैं, ब्रजेश साहनी और वकील, ये पूर्व में भी गैंगस्टर में व चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। और इनका कार्य करने का तरीका बहुत शातिर रहता है। लोग जब सोए रहते हैं तो उनके जेबों से मोबाइल चोरी कर लेना, उनके बैग लेकर के गाड़ी से उतर जाना, इस तरह के ये कार्य करते हैं। कई दिनों से ये जो बिहार की तरफ ट्रेनें जाती थीं या उधर से आती थीं, उसमें बार बार ये यात्रियों का सामान चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर हमारे सीओ जीआरपी श्री सुनील कुमार राय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और आज उसको एक बड़ी सफलता हासिल हुई। तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक का नाम ब्रजेश कुमार साहनी, दूसरे का नाम वकील कुमार और तीसरे का नाम कुंदन कुमार है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है और ये अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं। ब्रजेश कुमार साहनी के ऊपर चोरी लूट और डकैती के कुल मिलाकर के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। वकील कुमार के ऊपर कुल अभी तक 9 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर के भी अभियोग इसके ऊपर पूर्व में पंजीकृत हो चुके हैं, वो भी गोरखपुर से ही गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था। कुंदन कुमार के ऊपर अभी तक कुल 5 अभियोग हैं, जिसमें मेन रूप से ये स्लीपर कोच में और जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ घटना कारित करते थे। एक आदमी रिजर्वेशन करा करके उसमें बैठता था, जिसका नाम कुंदन कुमार है, और उसके ऊपर कोई शक नहीं करता था। अगर मोबाइल चोरी किए तो उसी के झोले में रख देते थे और अपने ये दोनों उसमें से निकल करके भाग जाते थे। तो इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी और इस रूट पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें होने वाले अपराधों में कमी आएगी निश्चित रूप से। सर, क्या बरामदगी हुई है? इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुई हैं, कुल 80,000 रुपये का कीमत का सामान बरामद हुआ है, 11,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं।